students, today in this video, we are going to learn how to write a telegram in exam. टेलीग्राम हम कैसे लिखते हैं एग्जाम में, ये बहुत से बच्चों की समस्या होती है क्योंकि वो तो जानते भी नहीं कि टेलीग्राम होता क्या है, टेलीग्राम किस चीज़ का नाम है, क्या भला है, क्योंकि जब वो पैदा हुए तो टेलीग्राम का उपयोग बहुत कम हो गया, न के बराबर हो गया है, तो टेलीग्राम के बारे में जानते ही नहीं हैं। जो भी जानते हैं तो टेलीग्राम एक ऐप होता है जो फास्ट मैसेज भेजता है और बहुत से काम करता है, परंतु वो टेलीग्राम जो आपके मोबाइल में है ये वो टेलीग्राम नहीं है जिसके बारे में आपको एग्ज़ाम में लिखना है। कई तरह की राइटिंग स्किल आपकी इम्प्रूव करने के लिए एग्ज़ाम में बहुत सी चीज़ें आती हैं, हाउ टू राइट अ पोस्ट कार्ड, हाउ टू मेक अ पोस्ट कार्ड एंड हाउ टू राइट अ टेलीग्राम एंड हाउ टू राइट अ मैसेज, तमाम तरह की ऐसी राइटिंग स्किल की हम सारे वीडियो आपको धीरे धीरे उपलब्ध कराएंगे, आप इंतज़ार करते रहें। आज के इस वीडियो हम सीखेंगे राइटिंग अ टेलीग्राम, टेलीग्राम कैसे लिखते हैं। टेलीग्राम ये वाला टेलीग्राम नहीं है जो आपने अपने मोबाइल में देखा हो, जिसका मोनो आपके सामने दिख रहा है, ये वाले टेलीग्राम की बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आजकल जितने भी मैसेजिंग ऐप हैं उन मैसेजिंग ऐप की बात नहीं कर रहे हैं। ये उस जमाने की बात है जब मैसेज करने के लिए मोबाइल ही नहीं थे, इस तरह के टेलीग्राम की आप बात नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चे समझे कि टेलीग्राम की बात कर रहे हैं, जब कोई बहुत दूर रहता था, कोई फौज में नौकरी करता था, कोई दूर देश में रहता था और वो मैसेज करता था, लेटर चिट्ठी लिखते थे और फिर वो अकस्मात नहीं आता था तो फिर बड़ा ही इंतज़ार रहता था, पोस्टमैन का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता था। कोई चिट्ठी आती थी 8-8 दिन में आती थी, 10-10 दिन में आती थी, अपनी माँ पिताजी अपनी दादी से पूछिए कि चिट्ठियों का क्या पैटर्न होता था, उस समय मैसेज कितने मुश्किल से आते थे, एक एक चिट्ठी को लोग 8-8 बार पढ़ते थे, डाकिया बहुत अच्छा लगता था उस समय क्योंकि वो कुछ ऐसी मैसेज ऐसी डाक लाता था, उस डाकिया को बहुत सम्मान भी दिया जाता था। आज तो डाकिया की जरूरत भी नहीं कोई समझता, केवल नौकरी का इंटरव्यू आ जाए, कॉल लेटर आ जाए, इसका इंतजार करते हैं डाकिया के लिए, एटीएम कार्ड ले आए, पर मैसेज की तो कोई चिंता ही नहीं करता क्योंकि मैसेज तो अब हमारे मोबाइल में है, तमाम तरह के मैसेजिंग ऐप आपके पास हैं। तो ये जो हमारा पोस्ट का डब्बा है अब सूना रहता है, जब कभी महीने में, हफ्ते में, 15 दिन में कोई ना कुछ आ जाता है तो उस डब्बे में हमारे घर के आगे एड्रेस में डाल जाता है कुछ ना कुछ पोस्ट। परंतु ये आपके स्क्रीन पर देखिए, ये है टेलीग्राम की मशीन जो कभी पोस्ट ऑफिस में हुआ करती थी, टिक 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 की आवाज़ बजती थी और टिक टिक के साथ में मैसेज टक 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 करके लिखा जाता था टेलीग्राम के द्वारा। उस टेलीग्राम का उपयोग बहुत इमरजेंसी में लोग करते थे क्योंकि उसमें पैसा लगता था, इतना सस्ता भी नहीं था। तो आइए देखते हैं टेलीग्राम क्या होता है। तो टेलीग्राम क्या होता है, ए टेलीग्राम इज यूज्ड टू सेंड सम अर्जेंट मैसेज क्विकली, बहुत बहुत जल्दी, बहुत इमरजेंसी में मैसेज भेजने के लिए उपयोग जो किया जाता है वो टेलीग्राम का उपयोग किया जाता है। इट हैज़ टू बी ब्रीफ एज ईच वर्ड इन द टेलीग्राम इज पेड फॉर, ये बहुत ही कम शब्दों में लिखा जाता है, ब्रीफ होता है, संक्षिप्त होता है, क्योंकि इसमें हर शब्द का पैसा लगता है। ईच वर्ड इन द टेलीग्राम इज पेड फॉर, आपको एक एक वर्ड के लिए पैसा देना पड़ता है। तो ये चीज़ आपके लिए नई हो सकती है जो बच्चे नहीं जानते हो कि टेलीग्राम ऐसी क्या चीज़ होती है। अब हम सीखेंगे राइटिंग अ टेलीग्राम, टेलीग्राम लिखने के लिए, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आता है आप पिछले साल के पेपर उठा के देख सकते हैं, खास तौर से स्पेशल इंग्लिश के जो बच्चे हैं, 10th स्पेशल इंग्लिश और कुछ 9th में भी टेलीग्राम लिखने के लिए आता है, आता रहा है। तो राइटिंग अ टेलीग्राम में हम बात करें तो इन राइटिंग अ टेलीग्राम ओनली इम्पोर्टेंट वर्ड्स आर यूज्ड, टेलीग्राम लिखने में केवल महत्वपूर्ण शब्दों का ही उपयोग किया जाता है, जो भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो कम से कम शब्दों में हमको लिखना होता है क्योंकि हर शब्द का पैसा लगता है और ज़्यादा शब्द इसमें रख भी नहीं सकते। ऐसा भी नहीं कि आप कितना ही पैसा दे दो तो कितना ही बड़ा टेलीग्राम लिख लो, ऐसा नहीं है, शब्द सीमा बहुत कम है, आपको जो भी मैसेज है वो 1-2 लाइन में ही लिखना है और कैसे लिखना है वो आपको सीखना है। द एम इज टू ब्रीफ,
जो भी उद्देश्य होता है टेलीग्राम लिखने का वो बहुत ही संक्षिप्त होता है। ब्रीफ में हमको लिखना है, हाउएवर दिस ब्रेवटी शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ क्लैरिटी। परंतु ये भी है कि ये जो ब्रेविटी हम संक्षिप्तता करेंगे उसमें मैसेज भेजने में छोटा करेंगे, परंतु वो स्पष्टता की कीमत पर नहीं होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ क्लैरिटी इस पर नहीं कि मैसेज पहुंचे, मैसेज समझ में नहीं आए और टेलीग्राम भी पहुंच गया, पैसा भी लग गया और मैसेज समझ में नहीं आया जिसको भेजा उसको, तो ऐसा भी छोटा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला समझ ही नहीं पाए कि इस टेलीग्राम में मैसेज क्या है, क्या संदेश आया है। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कैप्ट इन माइंड। अब देखिए किस सिचुएशन में टेलीग्राम भेजा जाता है वो मैं थोड़ा आपको बता दूं इसके पॉइंट जानने से पहले, कि मान के चले कि कोई हमारे भाई साहब, हमारे पिताजी या अंकल या कोई भी बंदा जो आने वाला था उसने फिक्स कर दिया था कि मैं आपके यहाँ पर 14 फरवरी को आऊँगा, 15 फरवरी को आऊँगा, 10 दिसंबर को शादी में आऊँगा, परंतु एट रैंडम एक दिन पहले आपके पास एक चिट्ठी आती है जिसको टेलीग्राम कहते हैं, जिसमें लिखा है कि अब मैं नहीं आ पा रहा हूँ, इमरजेंसी के कारण मुझे कुछ और काम लग गया है और मैं नहीं आ पा रहा हूँ। तो वो होता है टेलीग्राम जो इमरजेंसी में केवल एक दो लाइन में ही लिखा जाएगा। तो जब बहुत सा प्रोग्राम बन चुका हो, अचानक से प्रोग्राम पोस्टपोन हो जाए या फिर नहीं आना हो किसी का, तो वो टेलीग्राम आता है। कभी कभी पुराने ज़माने में जब किसी कोई आदमी, जैसे कोई बंदा बम्बई या दिल्ली में नौकरी करने जाता था, जॉब करने जाता था, तो गांव में उसके घर पे उसके पिताजी मान के चले ख़त्म हो गए, मर गए माताजी, या कोई रिश्तेदार ख़त्म हो गया, तो उसको फिर दो दिन में बुलाना है क्योंकि पिताजी ख़त्म हो गए हैं, तो दो दिन में आना है उसको, तो बम्बई से कैसे आएगा। उस समय न मोबाइल चलते थे न फ़ोन चलते थे, तो उस टाइम पर ये टेलीग्राम भेजा जाता था जो तुरंत उसके पास पहुंचता था, जिसमें बस एक लाइन लिखी होती थी, द डैड इज़ नो मोर, पिताजी अब ज़्यादा नहीं है। तो कैसे हम उस बात को इमरजेंसी में जो लिखा जाता था टेलीग्राम में, वो हमको सीखना है। चलिए, द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कैप्ट इन माइंड, दिमाग में आप इन चीज़ों को रखें जब भी आप टेलीग्राम बनाएं। जैसे अवॉइड आर्टिकल्स, आर्टिकल्स को आपको अवॉइड करना है, ए एन द का प्रयोग नहीं करना है। एक एक अक्षर लेटर का पैसा लगता है भाई, और कम से कम संक्षिप्त में मैसेज लिखना है, तो आर्टिकल्स को अवॉइड करना है। प्रीपोजिशंस जो होते हैं, ऑफ, इन, ऑन, एट, विथ, ईटीसी, जो भी प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, एंड, बट, सो, ईटीसी, जो भी हैं, और पर्सनल प्रोनाउन, इफ, यू, मी, माई, योर, ईटीसी, ये सब आपको अवॉइड करना है, इनका उपयोग आपको नहीं करना है। अवॉइड आर्टिकल को करना है, अवॉइड प्रपोजिशन को करना है, अवॉइड कंजंक्शन, तो ए एंड द, ऑफ, इन, ऑन, एट, विथ, एंड, बट, सो, आई, वी, यू, इन सब की ज़रूरत नहीं है जब आप टेलीग्राम बनाएं। तो एनी ऑफ दीज वर्ड्स कैन बी यूज्ड इफ़ द मैसेज टू बी सेंट इज़ नॉट क्लियर विदाउट इट। हाँ, यदि इनमें से कोई भी शब्द का इस्तेमाल हो सकता है, यदि इनके बिना कोई मैसेज क्लियर नहीं हो रहा हो, तो यदि इनकी जरूरत हो तो ही लगाएं, अन्यथा इनको अवॉइड करें। इनके बिना यदि मैसेज नहीं लिखा जा रहा है तो फिर आप इनका एक आध का उपयोग कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको अवॉइड करना है मैसेज लिखते समय, ठीक है। दूसरी बात देखें, नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर शुड बी शॉर्ट एज पॉसिबल। जो भी रिसीवर है जिसको आपका टेलीग्राम पहुंच रहा है, वो जितना संभव हो उसका एड्रेस आप शॉर्ट से शॉर्ट करें, छोटे से छोटा रखें जितना संभव हो। डू नॉट यूज श्री, मिस्टर, मिसेज, ईटीसी। जैसे हम लिख रहे हैं मिस्टर मनमोहन शर्मा, तो मिस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप श्री, मिस्टर, मिसेज कुछ भी नहीं लिखेंगे, इनको आप छोड़ देंगे, क्योंकि भैया ये टेलीग्राम है, इमरजेंसी में बात बोली गई है, यहाँ पर श्रीमान श्रीमती की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात, मैसेज शुड बी ब्रीफ एंड क्लियर। आपका जो भी मैसेज आप भेज रहे हैं टेलीग्राम से, वो बिल्कुल साफ स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त भी हो और साफ भी हो, क्लियर हो, ठीक है।
अब हम कोई बात करते हैं तो उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं सेंटेंस के बाद। यहाँ पर फुल स्टॉप का उपयोग नहीं किया जाता। यहाँ क्या होता है, चौथे पॉइंट में देखें, यूज द वर्ड्स स्टॉप फॉर फुल स्टॉप। टेलीग्राम जब बनेगा तो हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, डॉट नहीं लगाएंगे, नहीं फुल स्टॉप लिखेंगे, ना हम फुल स्टॉप का निशान लगाएंगे। हम वहाँ लिखते हैं स्टॉप। इसको याद रखें आप, जब भी आपका एक सेंटेंस पूरा हो जाएगा तो आपको उसके बाद लिखना है स्टॉप, ठीक है, कैपिटल लेटर में। नो अदर पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज्ड। कोई पंक्चुएशन मार्क, कॉमा, फुल स्टॉप कुछ नहीं लगता है टेलीग्राम में, मान्य नहीं है। तो नो पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज्ड, ठीक है। पांचवी बात आपको देखनी है, डू नॉट यूज द फुल नेम ऑफ द सेंडर। आप भेज रहे हैं तो आप सेंडर हुए, तो आप जो जो भेजने वाला है सेंडर, वो पूरा नाम अपना नहीं लिखेगा, उसको पूरा नाम उपयोग नहीं करना है। If it is known to the addressee, यदि उस सामने वाला आपको नहीं जानता है तो आप लिखें, अन्यथा लिखने की जरूरत नहीं है। Give only the surname of the first or the first name of the sender। जो भी भेजने वाला है वो अपना फर्स्ट नेम लिखें, जैसे मनोज पाराशर है तो आप मनोज ही लिखें, पाराशर नहीं लिखें। सरनेम लिख सकते हैं, जरूरी हो तो लिखें, नहीं तो आप समझ गए, कुल मिला के हमको कम से कम शब्दों का यूज करके लिखना है। यदि आप अनजान हो, आपको नहीं जानता है रिसीवर, तो फिर आप लिख सकते हो पूरा नाम, अन्यथा आप अवॉइड करें, क्योंकि जिसको हम भेज रहे हैं टेलीग्राम वो हमको जानता है। अगली बात, टेलीग्राम जब आप लिखेंगे तो क्या याद रखनी है, यूज कैपिटल लेटर। पूरा टेलीग्राम भाई कैपिटल लेटर में लिखना है, कोई स्मॉल लेटर का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है, फुल कैपिटल लेटर, ठीक है। चलिए अगला सातवां पॉइंट, टाइम एंड डेट शुड बी रिटन इन वर्ड्स। जो भी आपका टाइम हो या उसमें डेट लिखनी हो तो वो आप शब्दों में लिखेंगे, आप अंकों में नहीं लिख सकते, आप नंबर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे आपको 7 बजे लिखना है तो 7 AM है, ठीक है, तो आप 7 AM नहीं लिख सकते हैं, आप इसकी जगह क्या लिखेंगे, 7 मॉर्निंग, वो भी कैपिटल लेटर में, ठीक है ना। आप क्या लिखेंगे, 7 मॉर्निंग, पूरा कैपिटल लेटर में। एंड फॉर 7th May, तो यहाँ पर आप लिख देते हैं, जैसे कभी भी लेटर एप्लीकेशन में 7/5/2020 7th May ऐसा लिख देते हैं आप, तो वहाँ टेलीग्राम में ये नहीं लिखना है, टेलीग्राम में आपको लिखना पड़ेगा 7th May, पूरा लेटर में चलेगा, वर्ड्स में आपको इस्तेमाल करना है और कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना है, अंक डिजिट उसमें नहीं आएंगे। अगली बात, सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, जो भेजने वाला है उसका नाम और पता, नॉट टू बी टेलीग्राफ। ये टेलीग्राफ में पैसा नहीं भी लगता है और न ही इसको टेलीग्राफ में लिखा जाता है, जो भेजने वाले का नाम और पता है। शुड बी रिटर्न इन फुल एज नो मनी इज चार्ज फॉर इट। उसको हम फुल लिख सकते हैं, उसका चार्ज नहीं लगता है और उसके लिए जगह भी दूसरी रहती है, टेलीग्राम में उसके लिए ज़्यादा जगह नहीं रहती। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ टेलीग्राम। कोई भी टेलीग्राम है तो उसमें कौन कौन सी बातें होती हैं, पार्ट्स कौन से होते हैं। एक तो होता है पार्ट एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, ठीक है ना, जिसको भेज रहे हैं उसका पता। नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर ऑफ द टेलीग्राम शुड बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल। तो जो रिसीवर है, जिसको टेलीग्राम मिलना है, उसका एड्रेस हमको लिखना है और वो संक्षिप्त से संक्षिप्त, जितना संक्षिप्त हो उतना ही हम लिखें। दूसरा मैसेज, ठीक है, तो एक पार्ट तो हो गया एड्रेस का, जो रिसीवर है उसका एड्रेस लिखा जाएगा। दूसरा होता है मैसेज, संदेश, तो इट शुड बी ब्रीफ एंड क्लियर, ये बिल्कुल साफ संक्षिप्त होना चाहिए मैसेज। अवॉइड द यूज ऑफ आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड अदर सच फंक्शनल वर्ड, ये हम बता चुके हैं आपको। आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारे शब्द जो होते हैं इनको आपको अवॉइड करना है, जिनकी ज़्यादा जरूरत नहीं है। तीसरा पार्ट होता है सेंडर्स नेम, जो भेज रहा है उसका केवल नाम से काम चल जाएगा। ओनली द सरनेम और द फर्स्ट नेम ऑफ द सेंडर इज टू बी रिटर्न। केवल आप सरनेम लिखें या अपना नाम लिखें, ठीक है, कम से कम लिखना है तो वो आप इस्तेमाल करेंगे।
उस सेंडर नेम और एड्रेस के लिए टेलीग्राफ नहीं होता है, तो उसके लिए एक तो टेलीग्राफ में नाम लिखना है, बाकी फिर दूसरा एड्रेस उसका रहता है वहाँ पर, उसके लिए चार्ज नहीं लगता। तो वो है देखिए, सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, भेजने वाले का नाम पता, नॉट टू बी टेलीग्राफ्ड, ये टेलीग्राफ में नहीं आता है। द नेम एंड द एड्रेस नॉट टू बी टेलीग्राफ्ड इज टू बी रिटर्न फुली, इसको आप पूरा लिख सकते हैं, भेजने वाले का पता। इट इज़ फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट, क्योंकि जो भी भेज रहा है टेलीग्राम उसका पोस्टल डिपार्टमेंट में एड्रेस रिकॉर्ड रहता है, इसलिए उसको लिखना पड़ता है। नो मनी इज चार्ज फॉर इट, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। अब आ गए हम असल मुद्दे पे, फॉर्मेट क्या होता है टेलीग्राम का। तो ये आपके स्क्रीन पर फॉर्मेट है, यही टेलीग्राम लिखा जाता था पुराने जमाने में, जब हमारे कोई भी घर वाला खत्म हो जाता, रिश्तेदार को बुलाना होता, तो हम टेलीग्राम तुरंत भेजते थे, तो ये इतने से फॉर्मेट पर भेजते थे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये सबसे पहले तो हमने लिख दिया इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राम, ये भारतीय पोस्ट का है तो लिखा रहता है उस पर फॉर्म पर। अब यहाँ देखिए, रिसीवर नेम एंड एड्रेस, जो हमारे टेलीग्राम को, जिसको मिलना है टेलीग्राम, उसका पता यहाँ लिखा जाएगा। तो रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस यहाँ आता है, नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, टेलीफोन ऑफिस का यदि हो कोई तो वो नाम आ जाएगा, यानी ये रो जो है हमारी रिसीवर वाले के लिए है। अब यहाँ ये जो आपको दिख रहे हैं ये डॉट, इनमें मैसेज लिखा जाता है, एक खाने में एक शब्द लिखा जाता है, एक खाने में एक शब्द लिखा जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि इतने कम खाने रहते हैं, इन खानों में ही आपको कैपिटल लेटर में मैसेज लिखना होता है, बस इतना सा, इतने से एरिया में, तो बहुत एक दो लाइन का ही उसमें रहता है, ज़्यादा नहीं रहता, तो इसी में आपको मैसेज कैपिटल लेटर में लिखना होता है। और फिर नीचे सेंडर नेम नॉट टू बी टेलीग्राफ, ये टेलीग्राफ नहीं होता है, ये तो भेजने वाले का नाम वगैरह एड्रेस नेम उसका हम लिख देते हैं, क्योंकि ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये दिया रहेगा तो फिर आपको इस जगह पर लिखना है, तो आप लिख देंगे कि भेजने वाला कौन है। ये टेलीग्राफ में नहीं रहता, टेलीग्राफ में केवल इतनी सी, इतना सा एरिया रहता है, रिसीवर नेम रहेगा, एड्रेस रहेगा उसका, और मैसेज रहेगा, इतनी सी चीज़ फॉर्मेट में टेलीग्राम में रहती है। ठीक है, चलिए अब आपको जो कॉपी चेक करता है टेलीग्राम आपका दिया है क्वेश्चन में बनाने के लिए, तो एग्जामिनर की टिप्स आप ले लें कि वो क्या देखेगा कि आप कितनी अच्छे से काम करें। तो सबसे पहले तो यूज कैपिटल लेटर्स थ्रू आउट, आपको पूरे उसमें थ्रू आउट बिल्कुल कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना है। बी ब्रीफ एंड क्लियर, बिल्कुल आप संक्षिप्त और स्पष्ट रहें। वर्ड लिमिट आपकी 25 वर्ड्स रहेंगे, क्योंकि मैसेज बहुत कम शब्दों में लिखना होता है, तो 25 वर्ड्स में ही आपकी वर्ड लिमिट रहेगी। वन मार्क टू बी डिडक्टेड इफ द प्रॉपर फॉर्मेट इज नॉट यूज्ड, यदि आपने प्रॉपर फॉर्मेट का इस्तेमाल नहीं किया है, कुछ भी कॉपी में लिख दिया है आड़ा टेढ़ा बिना बनाए फॉर्मेट के, तो आपके नंबर कटेंगे, ध्यान रखना। अब हम आते हैं एक उदाहरण एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं टेलीग्राम कैसे बनाएंगे, तो इस क्वेश्चन को आप समझें, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, आप देख सकते हैं अपने पिछले सालों के पेपर में। तो मान के चलें ये एग्जाम्पल है जिसका हमको टेलीग्राम बनाना है। अब पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, यू आर तन्मय पाराशर, आप कोई तन्मय पाराशर हैं, वर्किंग इन ए स्कूल इन ग्वालियर, आप स्कूल में, किसी स्कूल में काम कर रहे हैं। You planned to go home on the 2nd of December. आपने 2 दिसंबर को घर जाने का प्लान बनाया, ठीक है, आप तन्मय हैं, स्कूल में काम करते हैं, योर सेकेंड 2 दिसंबर को आपने घर जाने का प्लान किया। You are unable to go home due to some urgent work. अब आप घर जाने में असमर्थ हैं, अनेबल हैं, क्योंकि आपको कोई अर्जेंट काम हो गया। And you are not sure When you will be able to go, और आप श्योर भी नहीं हैं कि आप कब जा पाएंगे, आपको पता भी नहीं कि आप कब जा पाएंगे, एकदम से आपका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, आप टेलीग्राम भेजेंगे तुरंत ये पोजीशन बताने के लिए, सेंड ए टेलीग्राम टू योर फादर मिस्टर मनोज पाराशर। अब आप मिस्टर मनोज पाराशर को, जो पिताजी हैं आपके, उनको आप टेलीग्राम भेजें, जो कहाँ रहते हैं, न्यू विजयनगर भोपाल, न्यू विजयनगर भोपाल में रहते हैं, तो उनका पता मिल गया आपको, से रिसीवर जो है उनका, ठीक है। तो रिसीवर कौन है, मनोज पाराशर, सेंडर कौन है, तन्मय पाराशर,
ठीक है। अब राइट द टेलीग्राम इन अबाउट 25 वर्ड्स यूजिंग द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ द टेलीग्राम। टेलीग्राम के प्रॉपर फॉर्मेट का इस्तेमाल करके आप 25 शब्दों में टेलीग्राम लिखें। तो ये क्वेश्चन आपको मिल गया, आपको सेंडर कौन है, तन्मय रिसीवर है मनोज, ठीक है, पता दिया हुआ है, रिसीवर का एड्रेस भी मिल गया आपको। अब आपको जो मैसेज है कि आप जाने वाले थे 2 दिसंबर को और आप अचानक से नहीं जा पा रहे, अर्जेंट काम मिल पड़ गया, तो टेलीग्राम आपको लिखना है। ये रहा आपका टेलीग्राम, इस तरीके से आपको टेलीग्राम बनाना रहेगा। अच्छे से इसको देख लें किस प्रकार से आपको टेलीग्राम एग्जाम में बनाना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैपिटल लेटर का ही इस्तेमाल किया गया है, कोई भी मैसेज में कोई भी स्मॉल लेटर का इस्तेमाल नहीं किया है, तो सब कुछ कैपिटल लेटर का रहेगा। सबसे पहले आप लिख दें इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राम, ये आप टाइटल लिख दें ऊपर, ठीक है। फिर आप इस तरह की एक टेबल बनाएंगे एग्जाम में, जिसमें कि आप यहाँ 2 लाइन वाली ये टेबल बनाएंगे इस तरीके से खांचे खींचते हुए, जहाँ रिसीवर नेम एंड एड्रेस, यानी जो जिसको टेलीग्राम मिलेगा वो रिसीवर हुआ, तो वो कौन है प्रश्न में, मनोज परासर, न्यू विजयनगर भोपाल, उनका एड्रेस हो गया, ठीक है ना। तो कैपिटल लेटर में लिखा है और आप कम शब्दों में लिखें, आप चाहे तो परासर को हटा भी सकते हैं, मेरा मतलब है जो भी दिया है उसमें यदि फुल नेम दिया है तो आप लिखें, क्योंकि पेपर में दिया है इसीलिए, ठीक है। और एड्रेस लिख दिया आपने, अब ये आपका एक काम हो गया कि आपने एड्रेस लिख दिया। दूसरा हमको लिखना होता है ये मैसेज। अब आप देख सकते हैं मैसेज कि आप नहीं जा पा रहे हैं, तो टेलीग्राम में कितना शॉर्ट मैसेज आपको लिखना है, कम से कम शब्दों का, परंतु मैसेज क्लियर भी हो कि आप क्यों नहीं जा पा रहे हैं। देखिए, कोई स्मॉल प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं, कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं, कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं, कोई सेंटेंस पैटर्न भी आपका कुछ खास नहीं रहेगा। कम से कम शब्दों में आपको भेजना है संदेश। देखिए, अनेबल टू कम 2 दिसंबर, क्या लिखा, अनेबल टू कम 2 दिसंबर। कोई भी न्यूमेरिकल वर्ड इस्तेमाल नहीं है, सब कुछ लेटर है, 2 दिसंबर है तो 2 दिसंबर नहीं लिखा है, हम लिखा है 2 दिसंबर, ठीक है ना। तो 2 दिसंबर को आना अनेबल नहीं आ सकते हैं, अर्जेंट ऑफिशियल वर्क, ठीक है ना। हम लेटर में जैसी भाषा लिखते हैं ना कि आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, वो सब नहीं लिखना है आपको, उसमें प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करना है, आप तो डायरेक्ट लिखें अर्जेंट ऑफिशियल वर्क। अब ये आपकी बात हो गई, तो आपने यहाँ फुल स्टॉप लगाना था, पर टेलीग्राम में फुल स्टॉप नहीं लगाते, स्टॉप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, स्टॉप। इन्फॉर्म अराइवल सून, मतलब आने के लिए जल्दी सूचित करूंगा, जब भी आऊंगा तो जल्दी सूचित करूंगा, तो इन्फॉर्म अराइवल सून, 3 शब्द लिखे हैं। डोंट वरी, अब नहीं आ रहे हैं तो ये भी लिख दिया साहब, चिंता मत करना, डोंट वरी, और फिर से स्टॉप, फुल स्टॉप की जगह स्टॉप। तो आप देख सकते हैं हमने क्वेश्चन में जो मैसेज है वो कितने कम शब्दों में लिखा है, यही आपको सीखना है। आप उसमें आर्टिकल, पंक्चुएशन, कंजंक्शन, किसी भी तरह का कोई भी प्रोनाउन फॉर्म इस्तेमाल करे बिना मैसेज टेलीग्राम में 25 शब्दों में कैसे आप लिख सकते हैं कम से कम, वो आप देखें। तो यहाँ पर हमने सेंडर नेम लिख दिया, नीचे तन्मय आप देखिए, सेंडर नेम ये हमने लिख दिया है, नॉट टू बी टेलीग्राफ, ये टेलीग्राफ नहीं होता है, आपको ये बात नहीं लिखना है एग्जाम में, आपको केवल सेंडर नेम लिखना है तन्मय, और सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, ये तन्मय MP इंग्लिश क्लासेस ग्वालियर, ये आप कोई भी पता जो भी एग्जाम में आपको आया हो दिया हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने तन्मय का एड्रेस जो दिया है वो स्कूल का दिया है, उसमें कुछ खास नाम नहीं लिखा है इसलिए हमने लिख दिया है, ठीक है। परंतु यहाँ पर जो एड्रेस दिया है, जो सेंडर है उसका एड्रेस आप जरूर लिखेंगे यदि आपके क्वेश्चन में दिया है, तो इसके पहले आप टाइटल लिखेंगे, फिर आप रिसीवर नेम वाली बातें लिखेंगे जो आपको टेबल इस तरीके से दी है, इसी फॉर्मेट में आपको बनाना है क्योंकि टेलीग्राम का फॉर्मेट यही होता है, और फिर आप इस तरीके से ये खांचे बनाएंगे जो भी आपको ये दिख रहे हैं, इस तरीके से आप टेबल बना लेंगे जिसमें आप 25 शब्द से ज़्यादा नहीं लिख सकते, और अपने मैसेज को कम से कम शब्दों में यहाँ लिखने की आप प्रैक्टिस करेंगे, और नीचे सेंडर नेम लिख देंगे क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये दिया है।
तो आपको टेलीग्राम समझ में आ गया होगा क्या होता है, इस तरीके से आप बनाएंगे। अभी आप चिंता न करें, आपको दो तीन और टेलीग्राम बनाने का वीडियो हम जारी करेंगे। एक वीडियो में सभी कुछ सिखाना संभव नहीं होता है, वीडियो लंबा हो जाता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको सिखाने की। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो थैंक यू। MP इंग्लिश क्लासेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना सरल है। आपके मोबाइल में देखिए लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा इधर इधर, तो उसको आप टच करेंगे, टच करते ही लाल कलर का सब्सक्राइब व्हाइट कलर बदल जाएगा। बगल में बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। बेल आइकॉन से तीन ऑप्शन आएंगे, सबसे ऊपर का ऑप्शन है ऑल, इसको आप टच करेंगे तो मेरे मोबाइल में जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। और भी ग्रामर की वीडियो चाहिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, और अपनी क्लास के जो भी वीडियो आपको चाहिए टेक्स्ट बुक ग्रामर रिलेटेड राइटिंग स्किल रिलेटेड सारे वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद।